गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, घर पर रहकर हमें तैयारी भी करना है। एग्ज़ाम कब होगी इस डाउट को हमारे दिमाग से निकाल देना है कि जब भी एग्ज़ाम होगी हम तैयार रहेंगे और अच्छे से हमारा पेपर देंगे। चलिए अब बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। चैप्टर वाइज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। दूसरी बात यह है कि जो नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में अभी तक आपके क्लास ट्वेल्थ के जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर्स की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर जाकर आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चैप्टर वाइज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आपको बता रहे हैं, बायोलॉजी के और साथ में मैथमेटिक्स को भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स यदि आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट वाले भी हैं तो उनको भी आप बताइएगा कि हमारे चैनल के माध्यम से हर पेपर की तैयारी मॉडल क्वेश्चन पेपर के थ्रू, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू और पेपर के बाद में एनालिसिस भी हमारे चैनल के माध्यम से किया जाता है, तो आप उनको भी ये बात बताइएगा। चलिए पहला आपका चैप्टर है ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सही विकल्प चुनने में है, जैसे CaCl में यदि CS प्लस की कोऑर्डिनेशन संख्या 8 हो तो Cl माइनस आयन की कोऑर्डिनेशन संख्या होगी। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंकल दोष नहीं दर्शाता है। अगला है एकल सेल के घनत्व का सूत्र में धनायन अंतरकोशी स्थल में उपस्थित होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अपमिश्रण डोपिंग से दोष उत्पन्न होता है, कुल प्रसार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, तत्व अथवा यौगिक में थोड़ी सी मात्रा में अशुद्धि मिलाने पर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ससंयोजी क्रिस्टल के दो उदाहरण दीजिए, धात्विक क्रिस्टल के दो उदाहरण दीजिए, सही जोड़े, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर वाइज। अब चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 है आपका विलयन। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके भाई बहन जो भी संविदा शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये ज़रूर बताइएगा कि हमारे चैनल राजेंद्र मंडलोई के नाम से जो हमारा चैनल है इसके माध्यम से हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर से इंग्लिश और हिंदी की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें डेली वीडियोस उनके लिए संविदा शिक्षक वर्ग 3 के कैंडिडेट्स के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और प्लेलिस्ट उनकी बना दी गई है जिसमें इंग्लिश के कम से कम 45 से 50 वीडियो हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, और हिंदी के कम से कम 20 से 25 वीडियोज़ हैं, तो डेली हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप ये जानकारी अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स को ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 विलयन मतलब सॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे मोलल हिमांक, अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, मोलरता को समझाइए, राउल्ट का नियम क्या है, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं, वास्टहॉफ घटक को समझाइए, राउल्ट का नियम लिखो एवं इसकी गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्लूकोज के 5% विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब की गणना कीजिए, ग्लूकोज का अणुभार 180 है ना। तो ये क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए, ऐसे नॉर्मलता, मोल प्रभाज, परासरण। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 है विद्युत रसायन है ना, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध के साथ क्या संबंध है, ओम का नियम लिखिए, संक्षारण किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि समझाइए, इसे प्रभावित करने वाले 3 कारकों के नाम लिखिए एवं बचाव के उपाय, कोलरास का नियम लिखो एवं इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, संक्षारण को रोकने के कोई 2 उपाय। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 तक के आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर के हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स जो भी आपके कॉन्टेक्ट में है वह भी इसका लाभ ले सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ होल हार्टेडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स एंड माई सब्सक्राइबर्स एंड माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ फ्रिक्वेंटली वॉश योर हैंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।